हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं इमरान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आया हूँ रनिंग करने के लिए और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। आपने भी नोटिस किया होगा मगर आपको पता नहीं होगा उसके बारे में। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा। कहीं पर भी ब्रिज देखे होंगे तो वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इस भाई टाइप का आपको गैप नज़र आया होगा हर ब्रिज में। देखिए यहाँ पे भी गैप है, इस वाले में भी गैप है, उस वाले में भी गैप है, उस वाले में भी गैप है। आगे भी होगा, आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। रुकिए, देखिए इस वाले पे भी यहाँ पे गैप दिया हुआ है और इस साइड भी दिया हुआ है। और देखिए पूरा ऐसे किया हुआ है। को पता है ये गैप किस लिए दिया जाता है? ज़्यादातर आदमी लोग सोचते होंगे कि ये पानी को नीचे गिराने के लिए दिया जाता है, मगर नहीं, गलत है। वो इसको इसलिए देता है, खुदा ना खास्ता कभी भूकंप आया, अगर पुल अगर टूटता भी है तो ज़्यादा वो टूटेगा नहीं, जहाँ गैप है वहाँ तक आगे टूटेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं उससे। एक आपने वीडियो देखा होगा, इसमें माचिस जलते आता है लगातार, जो लाइन पे लगा हुआ रहता है। एक माचिस अगर निकाल दिया जाता है वहाँ से तो बाकी जो आगे का जो माचिस रहता है वो बच जाता है। फॉर एग्जांपल वैसे इसमें भी होता है, अगर पुल पूरा अगर बनाया जाएगा तो फिर से सरकार को पूरा पुल अगर ख़राब होता है तो पूरा पुल बनाना पड़ेगा। अगर एक पुल ख़राब होता है तो एक पुल यानी कि जो गैप दिया हुआ है इसमें, वही सिर्फ एक गैप उसको बनाना पड़ेगा और उसमें खर्चा भी कम पड़ेगा। अगर पूरा सरकार अगर पूरा एक ही साल ढाल के बनाएगी तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा दिक्कत भी होगा और अगर टूट जाएगा तो ज़्यादा पूरा फिर से तोड़ के उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। इसीलिए हर ब्रिज पे, चाहे वो रेलवे का रहे या अदर जो हम लोग ट्रेन वाला हो गया और एक जो गाड़ी चलता है लोकल वाला नॉर्मल गाड़ी चलता है, उस वाले पे भी ऐसा रहता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।